हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टिंडे की सब्ज़ी। तो बिल्कुल अलग और नए तरीके से टिंडे की सब्ज़ी बना करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी इस तरीके से टिंडे की सब्ज़ी ज़रूर बना करके ट्राई करना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चले बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, यार टिंडों को हमने पहले ही अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। उसके बाद क्या करना, हमें टिंडों को मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हमें देखिए इस तरीके से कट करके हटा देना है। तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से हम सारे टिंडे के ऊपर वाला मतलब नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हमें हटा देना है इस तरीके से। तो यह देखिए टिंडे को हमने मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको हमने हटा दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको हमें देखिए चाकू से ही इस तरीके से हल्का हल्का सा ऊपर से इसका छिलके को निकाल लेना है। चाकू से ही हमें इसके जो ऊपर वाला हिस्सा छिलका है ना, उसको निकालना है। तो देखिए चाकू से अगर निकालेंगे तो देखिए मतलब ज़्यादा छिलका नहीं निकलेगा, और ज़्यादा हमें छिलका इसका निकालना भी नहीं है, मतलब हल्का हल्का बिल्कुल इस तरीके से। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमें इसके छिलके को निकाल लेना। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी रेसिपी आपके अच्छे से समझ में आएगी। अगर रेसिपी में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमने यह सारी टिंडों को हल्का हल्का सा इनका छिलका निकाल लिया। तो अब इनको हम साइड में रख देंगे, और अब क्या करना है, हमें टिंडे में देखिए इस तरीके से कट लगा लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से बीच में हमें कट लगाना, नीचे तक नहीं लगाना है। इस तरीके से एक कट और लगा लेते हैं हम। देखिए इस तरीके से हमें ये कट लगा लेना है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारी टिंडों में कट लगा करके अब हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सारे टिंडों को कट करके तैयार कर लिया। तो चलते हैं अब इसकी सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो अब इसमें हम टिंडे डाल देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, अब हम टिंडे में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा। यहाँ हम थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यह देखिए फ्रेंड्स, टिंडे हमारे देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, हम इसी तेल में जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हींग। तो यहाँ इसमें अब हम डाल देंगे प्याज, दो प्याज लिए थे उसको हमने बारीक कट कर लिया था। Thank you.
तो ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद डाल देना है टमाटर। तो ये हमने दो टमाटर लिए थे उसको बारीक कट कर लिए थे। आप चाहे तो यह चोकर में चोप भी कर सकते हैं टमाटर और प्याज को। टमाटर को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अपने तीखे के हिसाब से लाल मिर्च और धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और मसाले अच्छे से पक करके तैयार हो जाए। तो चलिए अब इसको हम ढक देते हैं, ढक करके मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ चेक कर लेते हैं मसाले अच्छे से पके हैं या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मसाले बिल्कुल अच्छे से हमारे पक करके तैयार हो चुके हैं। आपको देखने से ही पता चला होगा मसाले बिल्कुल अच्छे से हमारे पक चुके हैं। तो करना क्या है, हमें मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो ग्रेवी में हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमने ग्रेवी में थोड़ा पानी डाल दिया है। और यहाँ इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने इसमें पहले भी डाला था जब हमने टिंडे फ्राई किए थे, तो इसलिए नमक मतलब अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। तो क्या करना है, नमक को इसमें अच्छे से मिला देते हैं एक बार। और यहाँ इसमें थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा डालना है। मसाले को डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर ढक करके ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम ग्रेवी को। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी भी बिल्कुल हमारी अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है। तो अब क्या करना है, इसमें हमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देनी है, ज़्यादा नहीं डाली हमने इसमें, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। इससे टिंडे की सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक बार बना करके इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। अब करना क्या है, इसमें हमें टिंडों को डाल देना है। टिंडे डालने के बाद में हम टिंडों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। और यह इसको 2 मिनट के लिए मतलब अच्छे से हम पका लेंगे ताकि टिंडे में भी मसाले अच्छे से मिल जाए। तो इसको ढक करके पका लेते हैं हम थोड़ी देर। तो यह चेक कर लेते हैं टिंडे को। देखिए टिंडे की सब्ज़ी हमारे देखिए अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, आपको देखने से ही पता चला होगा। देख सकते हैं सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ हम गैस को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी टिंडे की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी टिंडे की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका।